हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बेबी के लिए टंगड़ी ड्रेस बनाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसमें बेबी का मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, जिसमें चेस्ट की साइज़ है 20 इंच, वेस्ट की साइज़ भी 20 इंच ही है और लेंथ इसकी हम 12 इंच रखेंगे और शोल्डर इसका 9 इंच के करीबन रखेंगे। और शर्ट के लिए कुछ इस तरीके का लाइनिंग वाला कॉटन फैब्रिक लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अभी हम कपड़े को कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसको एक साइड से फोल्ड करके रख दिया है। अभी हम इस पर मेज़रमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे। टोटल लेंथ हमें 12 इंच चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे और 13 इंच पर मार्क कर देंगे। अभी हम इसके शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर की टोटल साइज़ है हमारे पास 9 इंच, 9 का हाफ यानी कि 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर कुछ इस तरीके से एक रफ लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर की साइड। तो नेक के लिए हम यहाँ पर कॉलर बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने नेक की विड्थ रखी है करीबन 2 इंच तक और फिर कुछ इस तरीके से 1/2 इंच का डीप देते हुए गोलाई का शेप दे देंगे। अभी हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो आर्म होल की लेंथ मैंने करीबन 3.5 इंच तक रखी है और फिर कुछ इस तरीके से एक रफ लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से 1.25 इंच तक इस तरीके से मार्क करके फिर गोलाई देकर आर्म होल का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे, बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इसकी चौड़ाई मैंने 20 का 1/4 + 2 इंच का मार्जिन रखा है। अभी हम इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को इस तरीके से रख दिया है और इसके ऊपर हम बैक पार्ट की कटिंग को इस तरीके से अच्छे तरीके से रखते हुए और चौक से इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम बटन पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पर एक रफ लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और यहाँ पर सेम साइज़ में हम आर्म होल के लिए एक बॉक्स बना लेंगे और फिर कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ मैंने रखी है करीबन 2 इंच तक और फिर इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसकी सेम लेंथ में हम इस तरीके से एक बटन पट्टी और काज पट्टी ले लेंगे। अब हम बचे हुए कपड़े से इसके स्लीव की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर दिया है और फिर इसके आर्म होल के साइज़ के बराबर इसकी विड्थ रख लेंगे और इसकी लेंथ हमें चाहिए करीबन 5 इंच तक। 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम ऊपर स्टिचिंग के लिए रखेंगे और 1.5 इंच के करीबन हम नीचे पट्टी फोल्ड के लिए रख देंगे और करीबन 7 इंच तक इसकी लेंथ रख कर इस तरीके से एक रफ लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम यहाँ से करीबन 2 इंच का डीप रखेंगे और फिर कुछ इस तरीके से एक तिरछी लाइन बनाकर और यहाँ से करीबन 1/2 इंच तक एक ऊपर मार्क करके इस तरीके से स्लीव को ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और फिर इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले बटन पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमने एक स्ट्रिप को अलग कर दिया है और इसके ऊपर हम एक साइड को इस तरीके से ऑपोजिट साइड को अंदर की साइड रखते हुए और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके उल्टी साइड से इस तरीके से दबाव के लिए एक सिलाई कर देंगे। अब इसको सीधी वाली साइड इस तरीके से 1 इंच के करीबन इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से और जितनी विड्थ हमें बटन पट्टी की चाहिए उतनी रखते हुए यहाँ पर सिलाई करके इसे अटैच कर देंगे। और इसके किनारी पर भी इस तरीके से एक सिलाई कर देंगे और एक्स्ट्रा बचे फैब्रिक की कटिंग कर ले। और ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में काज पट्टी को लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और ठीक इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी काज पट्टी को लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और दोनों शोल्डर को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे।
अभी हम स्लीव की कटिंग को लेंगे और इसके नीचे कुछ इस तरीके से 1.25 इंच के करीबन अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई करके पट्टी फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी हम आर्म होल की कटिंग पर स्लीव को कुछ इस तरीके से रखेंगे जिसमें सीधी वाली साइड अंदर की साइड रहेगी और सेंटर पार्ट से यानी कि सेंटर वाले कट से हम इस तरीके से सिलाई करके इसे जॉइंट करेंगे। और ठीक इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्लीव को ज्वाइन कर देंगे और दोनों साइड स्लीव को ज्वाइन करने के बाद इसका कॉलर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉलर की लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हम इसकी लेंथ का मेज़रमेंट कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ हमारे पास आ रही है करीबन 13 इंच। अभी हम करीबन 2.5-3 इंच चौड़ी इस तरीके की कैनवास पट्टी को लेंगे और इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड करके रख देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉलर की टोटल लेंथ हमारे पास है 13 इंच, तो 13 का हाफ यानी कि 6.5 इंच पर इस तरीके से एक मार्क कर देंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम तिरछाई देने के लिए मार्क करेंगे यानी कि कॉलर की तिरछाई देंगे कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ से हम हल्का सा अंदर की साइड इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी हम इस तरीके से अंदर की साइड हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और कुछ इस तरीके से हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अभी हम एक्स्ट्रा बचे फैब्रिक को लेंगे और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद कॉलर की कटिंग को इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए और यहाँ पर पूरे में सिलाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। और फिर बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरीके से कटिंग कर ले और यहाँ पर कॉर्नर में हम छोटे छोटे कट लगाकर इसको इस तरीके से बाहर की साइड पलटते हुए इसे सीधा कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर कुछ इस तरीके से इसके कॉर्नर पर एक अच्छे तरीके से सिलाई लगाकर कॉलर को रेडी कर लेंगे। अभी हम शर्ट को लेंगे और इसके सेंटर पार्ट में कुछ इस तरीके से बीच में कट लगाएंगे और ठीक इसी तरीके से हम कॉलर के सेंटर में भी एक छोटा सा कट लगाएंगे और फिर इसको इसके ऊपर सेंटर पार्ट से लगाते हुए और इस तरीके से सिलाई करके इसे अटैच कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरीके से सिलाई करते हुए पूरे कॉलर को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर एक पूरे पट्टी निकालने के बाद हम इस कॉलर को रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम इस पट्टी को इस तरीके से अटैच करेंगे इसके ऊपर रखते हुए और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अभी हम इस पट्टी को 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और यहाँ पर सिलाई करके जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से हमने कॉलर बनाकर रेडी कर लिया है। अभी हम शर्ट को इस तरीके से उल्टा करके इसकी फिटिंग सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से दोनों साइड सिलाई लगाकर हम इसे जॉइंट कर देंगे।
और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक और फिटिंग सिलाई लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाई है। अभी हम शर्ट के बॉटम में कुछ इस तरीके से पट्टी फोल्ड करेंगे। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग मन चाहे उतनी पट्टी फोल्ड करते हुए सिलाई करके इसे बना सकते हैं। और कुछ इस तरीके से हमारा बेबी शर्ट बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।